उसको बात को समझें कि 25-30 हज़ार रुपये का कोई मेकअप करा के खवातीन आती है तो उसने मास्क तो नहीं लगाना। रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मास्क लगाएं, कि हमारा रिक्वेस्ट करना, हमने हमारा बनता है, हम यहाँ ओनर हैं, हम काम कर रहे हैं। 6 महीने से जिस अदारे को बंद रहा हो उसके पल्ले अब कुछ भी नहीं रह जाता। हमारी टोटल सामान पड़ा पड़ा गल गया है, जो हमारी शीटें हैं, जो हमारे सामान हैं, जो लकड़ी के वुडन लगे हुए थे वो टोटल गल गए हुए हैं। अब उन सारों को हम नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं कि जहां हम 500 बंदों का फंक्शन करते थे उधर उसको रिड्यूस करके 250 बंदों पे ले आए हैं ये लोग। और उसके बाद आखिरी बात है उसको जो सैनिटाइज करना हॉल को, फिर मास्क प्रोवाइड करना, फिर उनको और दूसरी चीज़ें हैं कि हर फंक्शन के बाद अपनी लॉन्ड्री को धोना, ये सारा ही इसका भी बड़ा एक्सपेंस है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक टेबल से दूसरे टेबल का 6 फुट का 6 फुट का फासला हो, हमें उस पर भी एतराज़ नहीं है। और उन्होंने कहा था कि आप बूफे ना लगाएं, बूफे पे अगर एतराज़ है तो उनको हमने कहा था कि हम टेबल्स पे खाना उनको दे देंगे। जो लाहौर में मार किए हैं शादी हॉल का काम है वो टोटल कारपेट बिछता है। अगर आप किसी लॉन में ले लें तो वो कारपेट बिछाना है, उसके नीचे ग्रास होती है, उसके नीचे मच्छर वगैरह काटता पाँव में, वो भी और मज़ीद खराबियाँ पैदा होती हैं। इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने कहा था जी कारपेट ना बिछाएं, लेकिन हम कारपेट के बगैर हम काम नहीं कर सकते क्योंकि मस्जिदों में कारपेट उठाना ज़रूरी था, वहाँ सजदा होना था। लेकिन यहाँ तो हमारी वॉक है, वॉकिंग पे इन्होंने कहा था कि जी कारपेट इसकी ज़रूरी, लेकिन कारपेट ज़्यादा सेफ है। लेकिन उसके लिए हम कारपेट नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, इसको टोटल वॉश कर रहे हैं। सोफे में कुशन जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है उसके लिए हम सोफों की अलग अलग कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री ने इतना नुकसान बर्दाश्त किया, लोगों ने अपने एक्सपेंस चलाने के लिए अपनी गाड़ियाँ बेची, किसी के पास प्लाट था वो बेचा, किसी के पास घर था वो बेचा, वो बेच के हम लोगों ने अपने मुलाज़मीन को चलाया। बहुत सारे मैरिज हॉल जो छोटे थे उन्होंने अपने वो फोर्ड नहीं कर सके, उन्होंने अपने अदारे किराए पर दे दिए और कुछ लोगों से मालकान ने शादी हॉल खाली करवा लिए। हमारी पोजीशन ये बनी कि हमारे पास जो एडवांस आ चुके थे हमने वो भी वापस करने पड़े। अब इन दिनों में हम बिजनेस करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे करेंगे, जितना कमाएंगे उतना हमारा खर्च हो जाना हमें नज़र आ रहा है ना। एक चीज़ गवर्नमेंट से हमारी इल्तमास है कि हमें जिस हद तक रिलीफ दे सकती ना वो दे। जो हमारी ये मेन एंट्रेंस आ रही है, इस मेन एंट्रेंस पे हमने सैनिटाइजर हर बंदे को करना है करके और अंदर फिर भेजना है। SOPs के मुताबिक ये चीज़ें जो हमें सैनिटाइजर करने के लिए बहुत टाइम लगना है। हुकूमत मेहरबानी करे इस पर भी हमें 1 घंटे 1.5 घंटे का वक्फा ज़्यादा टाइम दिया जाए। अगर वो 10 बजे क्लोज़ होता तो हम 11 बजे क्लोज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें SOPs पे अमल करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है।